जय हिंद दोस्तों, आज हम करने वाले हैं फ्रॉम ग्रो टू प्रो बल्क सीरीज का थर्ड डे, जिसमें हम करेंगे लेग्स। और ये आज लेग्स करने के बाद हमारा एक पूरा जो मसल ग्रुप है वो पूरा कंप्लीट होने वाला, पूरा ओवरऑल बॉडी का, जिसमें हमने चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप एक दिन कंप्लीट कर लिया डे वन में, फिर बैक बाइसेप हम कल कंप्लीट कर चुके हैं और आज लेग्स कंप्लीट करेंगे। लेग्स में ज्यादा हैवी नहीं करेंगे, लेग्स को हम सिंगल रख रहे हैं तो इस चीज का भी ध्यान रखना है कि अब एक्सरसाइज भी ज्यादा करनी पड़ेगी तो कहीं ना कहीं अपन हमें सोरनेस ज्यादा आएगी, पेन ज्यादा होगा कल, तो उस चीज को ध्यान रखते हुए ज्यादा हैवी वेट नहीं करेंगे। अभी एक बार थोड़ा सा फ्लो में आ जाए हम, जैसे जैसे फ्लो में आते जाएंगे वैसे वैसे इंक्रीज करते जाएंगे। जो बिल्कुल बिगिनर है, जैसे अभी स्टार्टिंग हम लेग एक्सटेंशन से करेंगे, तो लेग एक्सटेंशन में जितना लो वेट हो, बिगिनर की बात कर रहा हूँ मैं, जितना लो वेट हो आपकी मशीन में उतना लो वेट से 12-12 रेपिटेशन के 2 या 3 सेट ही करिएगा। और हो सके बिल्कुल बिगिनर है जो कभी जिम नहीं गया है, वो फर्स्ट टाइम ही बल्क सीरीज को साथ में अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है, तो वो 2 सेट ही करे 12-12 रेपिटेशन के, इनफ है। और 3 सेट करना चाहता है 10-10 रेपिटेशन के कर लीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। और यही फीमेल के अंदर भी सेम रहेगा, अगर फर्स्ट टाइम जिम जा रही है कोई भी फीमेल तो वो भी लाइट वेट रखिएगा और 2 सेट ही रखिए, आप 3 सेट पे मत जाइए, 10 या 12 रेपिटेशन तक आप कर सकते हैं। तो लेग के अंदर इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना है आपको। और जो प्रॉपर वार्म अप मैंने आपको बताया है, वार्म अप करना हमेशा जरूरी है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कहीं भी जल्दबाजी नहीं करना है, कहीं भी जल्दी करने की कोशिश ना करिए, 10-15 मिनट आप वार्म अप को दीजिए और फिर उसके बाद आप अपना वर्कआउट परफॉर्म कर सकते हैं, तो वो अच्छा रहता है, एक अच्छा वे है जिससे आप इंजरी फ्री रहते हैं, आपको क्रैम्प्स नहीं आते हैं, तो वो आपको हेल्प भी करता है लिफ्ट करने में भी। और ब्लड फ्लो जब अच्छा होता है, ऑक्सीजन और ब्लड फ्लो, तब आपको लिफ्ट करने में भी मजा आता है और क्रैम्प्स नहीं आते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे हम सभी जने ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। और एक चीज़ मैंने अभी नोटिस करी है कि बिगिनर टू एडवांस वर्कआउट सीरीज में मैं 1800 कैलोरी ही पूरे टाइम तक चलती रही, तो अभी सडनली 2400 हम कैलोरी ले रहे हैं अभी स्टार्ट जो हमने करा है। अभी मैं आपको पूरा उसके बारे में डिस्कस बताऊंगा, कैसे क्या रहता है, क्या क्या नहीं रहता है, क्या कॉस्टिंग पड़ रही है, वो शॉर्ट्स या रील में जाके आप देख सकते हैं। तो 2400 कैलोरी पे मैं एकदम से आ गया, तो 600 कैलोरी का एकदम से प्लस हो चुका है और उस वजह से ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मैं खाना खा रहा हूँ, और खाने मतलब इतना खाना मेरे लिए कैपेसिटी नहीं है इतनी, मेरी इतना एपेटाइट मेरा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि मैं उसको जल्दी से गेन कर सकूँ। कभी आपके साथ ऐसा होता है तो कुछ चीज़ें आप स्किप करिए, प्रोटीन को कम स्किप करिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिए। कहीं ना कहीं कार्ब को आप स्किप कर दीजिए, जैसे इसमें 2 बनाना भी हैं या 2 एप्पल भी हैं, तो वो आप स्किप कर दीजिए कभी कभी, है ना, रोज डेली बेसिस पे मत रखिएगा। और फिर जब आपका एपेटाइट स्ट्रॉन्ग होते जाएगा फिर आप 2400 कैलोरी एज इट इज पूरी कंप्लीट करिएगा, और क्वांटिफाइड डाइट करना है हमें, हर एक चीज़ को मेजर करके ही आपको कंज्यूम करना है। तो पहले अच्छा सा वार्म अप करते हैं फिर आज का लेग डे स्टार्ट करते हैं। वार्म अप के बाद मैं जैसा कि मैंने बताया था आपको लेग एक्सटेंशन से स्टार्ट करेंगे, तो लेग एक्सटेंशन के 3 सेट 12-12 रेपिटेशन के हम करने वाले हैं। अभी मैंने 12 रेपिटेशन कर लिए हैं, वार्म अप पूरा प्रॉपर तरीके से मैंने कंप्लीट करा है, आप भी जरूर करिए। और इसके बाद देखते हैं, पहले इसके 3 सेट प्रॉपर तरीके से करिएगा, और जैसा कि मैंने बताया बिल्कुल बिगिनर है तो 2 सेट भी चलेंगे, और या फिर 3 सेट करना चाहते हैं तो 10-10 रेपिटेशन तक भी कर सकते हैं। ये सिर्फ लेग के लिए एप्लीकेबल रहेगा, बाकी आप जो 2 दिन हमने कंप्लीट करे उसमें 12-12 रेपिटेशन जरूर परफॉर्म करिएगा, 3-3 सेट। सो करते हैं स्टार्ट। एक चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है, वाटर इंटेक पूरा होना चाहिए, पानी वर्कआउट के बीच में पीते रहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वॉशरूम टॉयलेट करने जाना पड़ रहा है बार बार तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाइए फिर सेट करिए।
ये अच्छी बात है, पानी पीते रहना चाहिए जिससे आप डिहाइड्रेट नहीं रहेंगे और अच्छी एनर्जी भी आपको मिलती रहेगी। लेग एक्सटेंशन के 3 सेट मैंने कंप्लीट कर लिया, 12-12 रेपिटेशन, 2 सेट मैंने 18-18 केजी पे करें, लास्ट सेट में 25 केजी पे करा, काफ़ी अच्छे से आ गया 12-12 रेपिटेशन, काफ़ी अच्छा लोड भी फील हो रहा क्वाड्स। मैक्सिमम करने वाले हैं फ्री स्क्वाट्स, और अधिकतर जो बिगिनर्स होते हैं उनको फ्री स्क्वाट्स करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, यहीं से स्टार्ट होती है लेग की। ये स्टार्टिंग अगर आप नहीं सीख पाएंगे तो जितना भी ओवरऑल लेग का वर्कआउट है उसमें आपको मजा नहीं आने वाला है। तो आप पूरी कोशिश करिए कि आपका मसल माइंड कनेक्शन काफ़ी अच्छा रहे। हालांकि देखिए बिगिनर नहीं सीख पाते हैं इतनी जल्दी कि मसल माइंड कनेक्शन कैसा होता है, कैसे क्या रखते हैं, और धीरे धीरे हम उसको सीखते हैं, लेकिन कम से कम हमारा पोस्चर जो होता है ना उसको आप प्रॉपर करिए। तो पोस्चर पे आप पूरा फोकस रखिए, जैसे कि ये देखिए हर जिम में कुछ ना कुछ आपको होल्ड करने का मिल जाएगा, फिर आप थोड़ा सा डिस्टेंस लेके खड़े हो जाइए, और जो लेग की डिस्टेंस रहेगी वो शोल्डर विड्थ से थोड़ा सा बाहर की तरफ, और जो आपका टो का एंगल रहेगा वो हल्का सा टिल्ट रहेगा, जिससे आपका जो स्क्वाट होगा वो काफ़ी अच्छा आएगा। ठीक है, अभी मैं एक बार इसको करके दिखाता हूँ आपको। ये मेरी पोजीशन हो गई लेग की, यहाँ से मैंने इसको पकड़ लिया है, होल्ड कर लिया है। अब बस बैक आर्च रखना है ग्लूट्स को। अब यहाँ पे ऐसे नहीं खड़े रहेंगे आप, नी लॉक करके हल्का सा नी सॉफ्ट करी, हिप्स को पीछे रखा, या तो फिर आप ऐसे रख सकते हैं अगर कर पा रहे हैं तो, नहीं कर पा रहे हैं यहाँ से पकड़ लीजिए, धीरे धीरे नीचे जाइए। आप ये चीज़ का ध्यान रखिए एकदम से नीचे जाके ऊपर मत आइए, तब भी आपको नुकसान ही होगा, नी पे बहुत ज़्यादा लोड आ सकता है। आपने डिस्टेंस ऐसी रखिए कि आप आराम से नीचे जा सके। ठीक है, मुझे लग रहा है मेरे लिए ये बेटर रहेगी। यहाँ से मैंने ग्रिप को होल्ड करा, बैक आर्च, और नीचे स्लो स्लो गया मैं, पूरा बैठा एंड अप, वन, वापस नीचे गया, फिर ऊपर आया, टू। ऐसे आपको 12-12 रेपिटेशन के 3 सेट करिए, आप इसके बिगिनर हैं तो भी करिए 3 सेट, ताकि आपका इसी से ही पूरा लेग का इम्प्रूवमेंट मिलेगा। एक बार मैं आपको फ्रंट से भी करके दिखाता हूँ, फ्री बिल्कुल किसी भी चीज़ को नहीं पकड़ के हम ऐसे भी कर सकते हैं, बस नीचे गए और लिफ्ट। ठीक है, वन, टू, थ्री, ऐसे आप 12 रेपिटेशन परफॉर्म करिए, स्टार्ट करते हैं। So clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning is here, the sound of deafening fear. If you try, you just might get a little bit of trouble. K-A-I-S-E, in your side, you would never see me coming. You don't die, if you try, you just might get a little bit of trouble. Free squats ke 3 set maine complete kar liye hain. Aap apni strength ke according 10 ya 12 repetition tak kar sakte hain, 2 ya 3 set kar sakte hain. अभी नेक्स्ट हम करने वाले वॉकिंग लंजेस। मेरे को पता है कि वॉकिंग लंजेस अभी स्टार्टिंग के हिसाब से ज़्यादा हैवी हो सकता है, लेकिन अभी जैसे ज़्यादा ऑप्शन नहीं रहेंगे हमारे पास, क्योंकि अभी लेग को हमने पूरा सेपरेट कर रखा है इसमें। और वॉकिंग लंजेस अगर नहीं कर पा रहे हैं आप तो स्टैंडिंग भी कर सकते हैं, मैं दोनों आपको तरीका बता देता हूँ। वैसे वॉकिंग करेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा करना, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा बैलेंस नहीं बनाना पड़ेगा। सो स्टार्ट करते हैं, 3 सेट करेंगे, 12 रेपिटेशन इच लेग पे होना चाहिए आपके, या फिर 10 रेपिटेशन हो सकते हैं। स्टार्ट करते हैं, स्टैंडिंग करना है तो आप एक बार पोजीशन ले लीजिए लेग की, 90 डिग्री दोनों एंगल पे जाना चाहिए, राइट वाला भी 90 डिग्री जाना चाहिए, लेफ्ट वाला भी 90 डिग्री पे नीचे जाना चाहिए। सिर्फ बस एक बार नीचे गए, ऊपर आए, 1 रेपिटेशन काउंट हो गया, 2, ऐसे आप कर सकते हैं। और वॉकिंग में ज़्यादा आपको बैलेंस नहीं बनाना पड़ेगा, ठीक है, सिर्फ आपको मूवमेंट करना है, 1, चेंज करा, 2, अभी हमारे वॉकिंग लंजेस के 3 सेट कंप्लीट हो चुके हैं, 12-12 रेपिटेशन ईच लेग पे लगाए, अभी तक लग रहा है कि लेग कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हमें 2 एक्सरसाइज और करनी है। 4th एक्सरसाइज हम करने वाले हैं लेग कर्ल करेंगे, इसके भी हम 3 सेट करेंगे, 12-12 रेपिटेशन, वेट अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग लीजिएगा, इसके बाद हम काफ्स करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। लेग कर्ल के अंदर दो तरीके की मशीन होती है, एक लाइंग लेग कर्ल होती है जिसके अंदर हम लेट के फिर कर्ल करते हैं, और ये सीटेड होती है, तो अभी हम सीटेड वाली कर रहे हैं, थोड़ा आसान भी रहेगा और 12 रेपिटेशन कर लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। Side, you would never
financial. I need a first class ticket to the top, no limit. I don't play no gimmicks, I'ma take you to the clinic. If you want a taste, come at me and you will be replaced. They won't find a trace of you anywhere or any place. So you go down if you try, you just might get a little bit of trouble. Get on लेग कर्ल के 3 सेट मैंने कंप्लीट कर लिए और 25 केजी से स्टार्ट करा था, 2 सेट उस पर करे और 32 केजी पे एक सेट और लास्ट सेट करा, उस पर मेरे आसानी से आ गए क्योंकि अभी इतना एक्टिव नहीं है हैमस्ट्रिंग। नेक्स्ट और लास्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं सीटेड काफ रेस, इसके भी हम 3 सेट करेंगे 12-12 रेपिटेशन। वेट में 5-5 केजी लिया, लाइट वेट ही रखा है और ये लास्ट है, इसके बाद हम स्ट्रेचिंग करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, काफ्स भी कंप्लीट हो चुके हैं 3 सेट और आज का ओवरऑल पूरा लेग कंप्लीट हो चुका है। कल थोड़ा सा पेन होगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मिस नहीं करना है। कल वापस हम चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप ही करने वाले हैं, रिपीट करेंगे और ऐसे पूरा वीक कंप्लीट होने वाला है पुश पुल लेग के साथ ही। आज का कंप्लीट हुआ है, अच्छे से स्ट्रेचिंग करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि स्ट्रेचिंग की भी प्रॉपर वीडियो डालूँ मैं आपके लिए तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको एक अच्छी सी प्रॉपर लेग के लिए भी, अपर बॉडी के लिए, सबके लिए आपको मैं स्ट्रेचिंग बता दूंगा। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।